निश्चित रूप से जितनी जानकारी हम आपको दे पा रहे हैं यह काफ़ी काफ़ी जानकारियां हैं, परंतु इसके ऊपर भी और भी बहुत अनुसंधान की, रिसर्च की और खोज करने की आवश्यकता है। इन एक एक वनौषधियों की पहचान करने की आवश्यकता है, उन दुर्गम स्थानों में जाने की आवश्यकता है, उनको खोज करने की आवश्यकता है। एक एक वनौषधियों को ढूंढने के लिए पूरा जीवन लगाना पड़ता है। एक एक वनौषधियों के गुणों को वर्णन करने के लिए बहुत सारे शास्त्रों का और बहुत सारे संतों का सान्निध्य प्राप्त करना पड़ता है। तो जो हमने जाना, जो हमने सीखा, हमने प्रयत्न किया है आप तक पहुंचाने का, जिससे कि आपका जो ज्ञान है, आपका जो नॉलेज है, आपकी जो जानकारी है, आपकी जो भी इस संदर्भ में जो नॉलेज है, हम उसको बढ़ा सकें, उसको अभिवृद्धि कर सकें, इस वनौषधीय पौधों के विषय में आपकी अभिरुचि को जागृत कर सकें। क्योंकि इस हिमालयी क्षेत्र में जहाँ से आज हम इसको आपको जानकारी दे रहे हैं, हजारों हजारों संख्या में ऐसी दिव्य वनौषधियाँ हैं, ऐसी दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं जिनका सेवन करके रोगों से बच सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। जो करोड़ों रुपया खर्च करके जो जिस स्वास्थ्य को आपने नहीं पाया, जिस बीमारी से मुक्ति आपने नहीं पाई, उन बीमारियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा, हमारी देश की युवाओं की शक्ति इस क्षेत्र में भी लगें, इस क्षेत्र में भी हम अनुसंधान करें कि आने वाले दिनों में हम बताएंगे कि गंगोत्री सहित जो हिमालयी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में किस तरह के दिव्य वनौषधियों की भरमार है, भरपूर मात्रा में यह उपलब्ध हैं। यदि हमने खबर न ली, हमने खोज नहीं की, तो आज ये लुप्त होने की कगार पर हैं। एक तो जानकारी के अभाव में, एक संरक्षण के अभाव में, तो इनके संरक्षण होना भी बहुत ज़रूरी है। और यदि हमने किसी वनौषधि के विषय में जाना, जड़ी बूटी के संदर्भ में जाना, तो उस संदर्भ में उसको जिस तरह से मुझे इन औषधियों से बहुत ही जो एक आत्मीय प्यार है इन औषधियों के प्रति, जब ये हमारे जीवन को देती हैं, तो आपके पास जब बेशकीमती चीज़ होती है तो कितना संभाल करके, कितना प्यार से आप उस चीज़ को रखते हैं, उसी तरह से आप इन औषधियों को भी संभालिए, इसके संरक्षण में आप सहभागी बनिए, आप अपना योगदान दीजिए, जिससे कि हमारे देश की जो समृद्धि, हमारी देश की जो समृद्ध परंपरा पुनः पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व को गौरवान्वित कर सकें, हम लोग रोगों से मुक्त हो सकें और औरों को भी रोगों से मुक्त कर सकें। तो मैंने आपको बताया कि यह रुद्रवंती हिमालय की एक दुर्लभ एक औषधि है, रुदंती भी इसको हम कहते हैं। तो रक्त के शोधन में एक इसकी और बहुत विशेषता है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो शुगर के रोगी हैं, इससे शुगर भी एकदम कंट्रोल होती है। रुद्रवंती के पाउडर को यदि आप 2-3 ग्राम की मात्रा में सुबह खाली पेट प्रतिदिन सेवन करते हैं, नमक और मीठा भी बंद कर दें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो शुगर के जो लेवल है एकदम तुरंत नॉर्मल लेवल पर आना शुरू हो जाती है। और हमने देखा कि जो डायबिटीज वाले जो लोग हैं उनका जो घाव नहीं भरता है तो इससे एक घाव भी भरने लग जाता है। जिनका घाव नहीं भर रहा हो वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। और हमने देखा कि जैसे घाव में तो इसका पाउडर भी यदि भुरक दें, पाउडर को रुई के ऊपर रख कर बांध देने से भी तो घाव भरने लग जाता है। तो यह बहुत ही लाभकारी, बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही दिव्य पौधा है।